नीचे वाला, ये वाला कोड कॉपी कर लो। हाँ पेस्ट कर सकते उसको। व्यू पे आओ, व्यूज पे, होम वाले पर, होम नोट ईजीएस पे आ जाओ। कौन सा होम था? डैशबोर्ड था। इंडेक्स कौन सा वाला है? बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज खुल रहा है इसमें? चेक करो इंडेक्स पे कौन सा पेज चलता है। बाय डिफॉल्ट होम ही चल रहा होगा शायद। अरे वेब में जाके चेक कर लो, ये पेज चल रहा है क्या? पेज चल रहा है ना। चलो लाइन नंबर 3 बंद करो। ये बंद करो लाइन नंबर 7, 27। ये बंद करो कंटेनर सब, ये नीचे बंद करो और नीचे आओ। साइड बार बंद करो, ये साइड बार कहाँ से आ रहा है? इसी के नीचे पेस्ट करो, सबसे नीचे, इसी के नीचे पेस्ट करो। जाके चेक करना वहां कहाँ दिख रहा है वो वेबसाइट पे। हाँ इस पे क्लिक करो, आ रहा है। ठीक है चलो, बाकी लोग पेस्ट करके बाद चेक कर लें और दिखाओ उनको। अब ऊपर चलो लाइन नंबर दिखाई, बटन के अंदर लिखा है सब लोगों ने इतना पेस्ट कर लिया। होम पेज पे सबसे लास्ट में पेस्ट करना है, कर लिया। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? कर लिया ना। अब क्या करना है इसके बाद देखो। अब जो लिखा है ना डेटाबेस टॉगल और डेटाबेस टारगेट, जो कॉपी कर लो अंदर से। डेटाबेस टॉगल बटन के अंदर से, डेटाबेस टॉगल, डेटाबेस टारगेट। हाँ बोलो। होम पेज पे बोल रहे थे, होम पेज पे सबसे लास्ट में home.home.egs। हाँ फुटर के ऊपर ही आएगा, सबसे लास्ट में पेस्ट करने बोला ना मैंने। इसके में देखो ना, दिख तो रहा है साफ साफ चीज़ें। थोड़े तुम्हें कंट्रोल माइनस करो स्क्रीन को, ना करते हैं। पेस्ट कर लिए सबने, बटन पे क्लिक करने पे दिख रहा है मॉडल रहा होगा ना। चलो तो अब मैं क्या करना है कि जैसे मैं स्टूडेंट के लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो ये मॉडल कॉल होगा। क्लियर? स्टूडेंट के बटन है लॉगिन वाला, उस पर क्लिक करूंगा तो ये मॉडल चलेगा, है ना। तो अब ऊपर चलो, स्टूडेंट का देखो कहाँ लॉगिन बटन दिख रहा है ऊपर। वो क्या कॉपी करना है? डेटाबेस टॉगल और डेटाबेस टारगेट कॉपी कर लेना। लॉगिन वाला बटन कहाँ है इसमें देखो, यही दिख रहा है सबको। देखो यहाँ पे AHREF के अंदर सारे लोग देख पा रहे होंगे। ये चाहिए उठा दो यहाँ से, ये HRE लिखा है ना उसको हटा दो। HRE जो नहीं बटन पे काम होगा, एंकर टैग हटा दो, नीचे से ये हटा दो। अब बटन के अंदर पेस्ट करो जो कॉपी किया था और जहाँ लिखा है एग्जाम्पल मॉडल वहां पे लॉगिन लिख दो।
डेटाबेस टारगेट में यहां लिख दो लॉगिन। सब देख लो क्या हुआ है, जहां पे आपका बटन होगा ना लॉगिन वाला होम पेज पे, वहां पे ये पेस्ट करना है। अब डिजाइनिंग आप लोगों ने करी होगी तो आपको आइडिया कहां पे याद होगा, दिखा दे जाके वेबसाइट पे कहां पे पेस्ट करना है। वेबसाइट पे आओ, ऊपर चलो, ऊपर दिख रहा है स्टूडेंट का नीचे लॉगिन बटन, ये सब देख लो दिख रहा है ना स्टूडेंट का लॉगिन बटन, इस पर क्या लगाना है, डेटाबेस टॉगल डेटाबेस टारगेट। ठीक है, अब आ जाओ कोड में, देखो नीचे लगा हुआ है लाइन नंबर 77 पे, और डेटाबेस टारगेट में क्या लिखोगे, हैश लॉगिन। कर लिया, और क्या नहीं दिखे ना, तो मैं स्क्रीन में दिखे ना, पहले देखा करो फिर करा करो आप लोग। कर लिया, हो गया, इतना काम कर लिया। अभी कुछ नहीं हटाना है, एंकर टैग हटाना है, वही तो कह रहा हूँ, देखा तो करो स्क्रीन पे मैं क्या करवा रहा हूँ, बस तो बस इतनी करना है। एंकर टैग लगा होगा ना बटन के ऊपर, एंकर टैग लगाया होगा ना आप लोगों ने, लगाया था क्या, तो एंकर टैग हटा दो। सिंपल होना क्या है कि बटन में क्लिक करने मॉडल कॉल होगा, हाँ तो बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे आ जाओ, मॉडल पे आ जाओ, डिजाइनिंग चल रही, डिजाइनिंग में पंगा करोगे तो क्या समझ आएगा। अब सब पहले देख लो क्या होना है, अब मैं नीचे मॉडल पे आ गया, सब देख लो पहले, ना फिर आप लोग गड़बड़ी करते हो। आज ये दिख रहा है बटन लगा हुआ लाइन नंबर 122 पे, ये बटन डाल देता हूँ यहाँ से, मैं डाल बटन दे, आप लोग भी हटा दें। नीचे जो मॉडल पे बटन पेस्ट किया था अपने साथ में, वो बटन डाल दें आप लोग भी। डाल दिया, बोलो। अब जो लिखा है ना, अब लिखा है लाइन नंबर 124 आईडी, यहां पे लॉगिन कर दो, आप लोग भी कर लें। आईडी दिख रही है ना सामने, मॉडल फैट के बगल में आईडी दिख रही है, लॉगिन कर दो। पहले चेक करो
लॉगिन में क्लिक करने पे आईडी आ रही है, मॉडल को लोला के लिए हो रहा है। ये क्या तुम्हारा एरर दे रहा है जी? ऊपर ऊपर वो डॉट से स्पेस हट गया, नीचे फुटर में जाकर सही करो। नीचे आ जाओ, क्लिक करो, सब देखो, बटन में क्लिक करने पे आ गया, देखो लॉगिन, मॉडल कॉल हो रहा है। चलो ठीक है, डिजाइनिंग वाला देखो काम चल रहा है, तो इसमें एरर ना लेके आए। चलो आ जाओ मॉडल के अंदर आ जाओ, अब मॉडल में थोड़ा काम करना पड़ेगा ना। ये हटा दो फुटर इसमें, सब देखो यहाँ पे लिखा है मॉडल फुटर, ये हटा दो टिप, सब लोग ये देख लो पहले यहाँ पे जी, मॉडल फुटर दिख रहा है ये हटा दो, और ये लिखा है ना मॉडल टाइटल, यहाँ पे लिख दो लॉग इन स्टूडेंट लॉग इन, लिखा है मॉडल टाइटल लाइन नंबर 127-28 पे, मॉडल टाइटल यहाँ लिख दो स्टूडेंट लॉग इन, वाइट वाइट दिख रहा है जो, हाँ अभी एक ही तो बनना है खाली स्टूडेंट वाला। तो लॉगिन पे क्लिक करने मॉडल चल रहा है ठीक है, हाँ ठीक है। चलो अब नीचे आ जाओ, फॉर्म बनाओ मॉडल बॉडी के अंदर, फॉर्म बनाओ, फॉर्म स्टार्ट फॉर्म एंड मॉडल बॉडी के अंदर, फॉर्म स्टार्ट पहले डॉट डॉट हटा दो, फॉर्म स्टार्ट फॉर्म एंड करो, वही डिव के अंदर क्लास MB3, डिव के अंदर क्लास MB3, फिल लेवल में ईमेल, और फिर इनपुट ले लो, इनपुट में ले लो ईमेल, ईमेल आएगा टेक्स्ट नहीं आएगा, ईमेल आएगा उसमें, ईमेल, और फिर ले लो क्लास, ले लो क्लास फ्रॉम कंट्रोल, और रिक्वायर्ड कर देना उसको रिक्वायर्ड। अब सीडीप को दोबारा कॉपी कर लो, यहाँ पे पासवर्ड कर लो, टाइप में टेक्स्ट कर दो, सॉरी पासवर्ड करो, टाइप में पासवर्ड, बटन लगा दो एक, चेक करो सब देख रहे हो, अभी इनको भी दिखा दो। चलो सेव करो फाइल को, हमें अब आ जाओ स्टूडियो कंट्रोलर पे आ जाओ, बनाओ सीखनी चाहिए मैं, सब लोग मेथड ना लें, आज कौन कौन नहीं आया, पहले कंसोल कर लेना कि डेटा उठ के आ रहा कि नहीं आ रहा इसमें, सबसे पहले ना
रमेश है, शिवम सिंह है, सक्षम पांडे हैं, राहुल कुशवाहा है, नितिन है, अंजलि सागर प्रवाल नहीं आया आज, हाँ पहले ये भाग्य चेक करो कि डेटा आउट क्या आ भी रहा कि नहीं आ रहा है। सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा ना, ईमेल और पासवर्ड तो पता होंगे सबको, अभी तो कुछ भी डाल लो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी पहले चेक कर लो, कुछ भी डाल लो, अभी अभी तो कुछ भी डाल लो। हाँ सब यहाँ पे देखो, देखो डेटा आउट क्या आ रहा है। अब देखो आपको किससे क्या लॉगिन करना है, लॉगिन किससे करना है, जो एडमिन ने रजिस्ट्रेशन किए थे ना अपन लोगों ने, उसी ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है, ठीक है। मोंगोडीबी ओपन करो, मोंगोडीबी, मोंगोडीबी ओपन करना, कनेक्ट करो, खोलना स्टूडेंट एडमिन का, किसके अंदर स्टूडेंट खोलो, स्टूडेंट ये दोनों हटा दो, फिर नए रिकॉर्ड स्टूडेंट को इंसर्ट कर लो, सही से इसकी ईमेल आईडी पासवर्ड पता हो, हटा दो भैया सारे। मोंगोडीबी से स्टूडेंट का डेटा हटा दो, ठीक है ना। अब दोबारा से लॉगिन कर, दोबारा से एडमिन का लॉगिन करो, आगे चल के हम एडमिन का लॉगिन यहीं से चालू कर लेंगे, अभी अभी एडमिन का लॉगिन यहीं से चालू हो जाएगा। ऐड स्टूडेंट करो, यहां से एक स्टूडेंट ऐड कर लो, सिंपल पासवर्ड रखो 123, झंझट ना हो, भूल जाते पासवर्ड क्या है, सिंपल रखो पासवर्ड 123। अरे ईमेल में क्यों डाल ले पासवर्ड, नाम में क्या डाल लो, देखो तो सिंपल सब याद रखो, सिंपल सा जीमेल और सिंपल सा पासवर्ड, ठीक है चलो कर लिया, चलो आ जाओ, अब इसको डाल दो, लॉगिन करो। अब क्या करना है सब सुने आप लोगों को, अब लॉगिन वाला काम आप लोगों को करना है, सब सुन ले करना क्या है, पहले दो मिनट सब सुन लो क्या करना है। जैसे ही लॉगिन होगा, लॉगिन होने के बाद आप उसको कहां पहुंचा दोगे, आओ वहां कोड में आना, कोड में आओ, इधर व्यूज के अंदर एक बनाओ फोल्डर, व्यूज के अंदर एक फोल्डर बनाया डैश स्टूडेंट नाम का, सबको दिख रहा है, व्यूज के अंदर एक फोल्डर बनाओगे स्टूडेंट व्यू वाला फोल्डर बंद करना, ये डैशबोर्ड खोलो, डैशबोर्ड सब पे, डैशबोर्ड पे, अरे वो डैशबोर्ड पे, ये डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड, ये दिख रहा है सबको, दिख रहा है। तो जैसे ही आप लॉगिन करवाओगे ना, वैसे ही इस डैशबोर्ड पे लेके आओगे उसको, ठीक है, समझ आ गया ना। सेम काम करना है, लॉगिन होने के बाद ये डैशबोर्ड वाला पेज खुलेगा, ठीक है। एडमिन कंट्रोलर पे आना, एडमिन कंट्रोलर खोलो, यहाँ पे होगा ना लॉगिन वाला पार्ट, देखो दिख रहा है ये सेम कोड, यहाँ पे लिखा है स्लैश एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। एडमिन खुला ना, एडमिन डैशबोर्ड कहाँ से आ गया, एडमिन में फोल्डर बंद करना, एडमिन वाला फोल्डर ओपन करो,
जाना उसके अंदर, एड रूम खोलना, स्टूडियो बंद करना, ठीक है। ये डैशबोर्ड खुलवा देना, सेमी डैशबोर्ड खुलेगा, ठीक है, सेमी डैशबोर्ड खुलना है सब लोग, अलग नहीं खुलेगा, सेमी डैशबोर्ड खुलेगा ये, ठीक है, समझ आ रहा है लोग सबको। लॉगिन करने के बाद आप एडमिन डैशबोर्ड भी खुलवा देना, करो लॉगिन बैठ के, करें आप लोग लॉगिन, लॉगिन करो, लॉगिन करना सीखा होगा, प्रैक्टिस करी होगी सबने, स्टूडेंट का लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद एडमिन डैशबोर्ड ही खुलेगा, ठीक है। मैं क्या सिखा रहा हूँ सब सुन लें, हम लॉगिन करेंगे, देखो हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं, देखो ये एडमिन वाला खुल रहा है अभी, मतलब लॉगिन होने वाले इस जगह पे आ रहे हैं, तो आप लोग आ रहे हो इस जगह पे, बताएं सब लोग, लॉगिन कर लिया, यहाँ पे स्टूडेंट स्टूडेंट स्लैश लॉगिन क्यों कर रहे हो, यहाँ पे सिंपल स्लैश आएगा ना, लाइन नंबर 85 पे सिंपल स्लैश आएगा ना, वापस होम पेज पे आ जाएगा वो, जी हटा दो, ऐसे नीचे भी डालो, जी नीचे डालो, अगर ईमेल आईडी पास सही नहीं होगा तो वापस से स्लैश वाले भी तो आएगा, स्लैश भी तो लगाए लॉगिन, हो गया लॉगिन आप लोगों का, सिवाय नहीं यार, बस यहाँ पर मैसेज करा देंगे भी आगे चल के, आ गए सब लोग यहाँ तक, लॉगिन कर लिया, करो लॉगिन करो, प्रैक्टिस नहीं करते घर पे।